को राजनीतिक राजस्थान होने जा रहा है और मकसद है सरकार का अधिक से अधिक रोजगार को राजस्थान की धरती पर लाया जाए। जैसा कि मेरी उद्योग मंत्री राजवर्धन से एक अनऑफिशियल बात हो रही थी, तो मेरा एक सवाल उनसे था कि सर, अब तक जितने भी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं पिछली सरकारों ने किए हैं, एक बड़ा लैकुना देखने को मिला है कि कागजों पर तो बहुत ज्यादा एमओयू होते हैं लेकिन वो जमीनी धरातल पर नहीं उतर पाए। राजवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे सीधा यही है, पीसी में नहीं पूछ पाया था कि क्या हम इस बार कुछ नई उम्मीद कर सकें, क्योंकि लगातार हम जो पिछला इतिहास देखा है सर, बड़ी संख्या में होते हैं एमओयू, बड़ी बातें होती हैं, चर्चा होती हैं, लेकिन जब उनका प्रैक्टिकल देखते हैं, जमीन धरातल पर देखते हैं, तो रेशो 1-2% जाता है। लाल सिंह जी, हमने बहुत इसमें नवाचार करे हैं। सबसे पहले तो पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट करा। अब चौथे वर्ष में जब इन्वेस्टमेंट समिट होगा तो आप समझ सकते हैं कि समय कहाँ है उसको धरातल पे उतारने का, शायद इच्छा शक्ति भी नहीं होगी उनकी। हमने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष के अंदर करा, भले ही चुनौती रही, हमारा आचार संहिता लगी हुई थी, चुनाव था, उसके बावजूद भी समय कम होने के बावजूद भी हमने पहले साल में करा। हमारे पास समय है उसको धरातल पे उतारने का। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दुनिया के अंदर एक बहुत पॉजिटिव माहौल भारत के लिए बनाया हुआ है, स्टेबल सरकार है, प्रगतिशील देश है, तो उसका हमने फायदा उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच करी, एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच करी। 9 राष्ट्रों के अंदर हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं और वहां से हम इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने 25 अपने IAS के अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है एक एक राष्ट्र का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनने की, यानी किसी को दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक व्यक्ति है जिसके संपर्क में वो रहेंगे। उस IAS ऑफिसर की जिम्मेदारी भले ही बदले यहां पर, लेकिन उस राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी रहेगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा। उसी तरह देश के अलग अलग प्रदेशों के लिए भी हमने एक एक ऑफिसर चिन्हित कर दिया है। हमने पॉलिसी ओवरऑल करें, 21 नई हमने पॉलिसीज बनाई है, जैसे हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है, हमने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की पॉलिसी बनाई है, 1 district 1 product की पॉलिसी बनाई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, और 7 पॉलिसीज को हमने बदलाव कराए, मॉडिफाई कराए, लैंड एग्रीगेशन पॉलिसी को हमने सरल कराए। ये सारा हमने इसलिए कराए ताकि ईज ऑफ बिजनेस हो और कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो। तो इन सबको करने से ये अंतर है कि हम धरातल पे उतारेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, ये हमारा संकल्प है, क्योंकि हमें राजस्थान के अंदर रोजगार वो है उसको उत्पन्न करना है। सीएम साहब तो अभी यात्रा पर बाहर हैं, जापान है अभी, और आपकी दुबई जाने की तैयारी है, एक पूरा फोकस है इस राइजिंग राजस्थान को सफल करने के लिए। आपने एक बात और शेयर की थी कि 9 विभागों के पहले ही समिट किए जाएंगे, और अभी और कहाँ कहाँ जाने का, विदेशों में या हिंदुस्तान की धरती पर कहाँ कहाँ जो अपना मेन समिट है उससे पहले कार्यक्रम होंगे? 9, 10 और 11 दिसंबर को तो मेन समिट है। उस समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने 9 विभागों का प्री समिट रखा है, यानी जो इंडस्ट्रीज, जो बिजनेसेस, मान लीजिए एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, वो एनर्जी विभाग के साथ पहले ही बैठना शुरू कर देंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि धरातल पे उतारने के लिए समिट से पहले भी कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाए। उसके साथ जो हमने पॉलिसीज के अंदर बदलाव करा, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, वो जिम्मेदारी से काम करेंगे, और सेक्टर्स हमने फोकस कर दिए हैं। हमने कई सारे सेक्टर्स को फोकस करा है, जिसमें टूरिज्म है, टेक्सटाइल है, IT और IT रिलेटेड सर्विसेज हैं, एग्रो प्रोसेसिंग है जिसको कृषि प्रसंस्करण भी कहते हैं, उसके साथ साथ एजुकेशन और स्किलिंग है, लॉजिस्टिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग का मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह से बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इन सब के ऊपर हम फोकस करेंगे। जब ये फैक्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज आती हैं तो उनके साथ साथ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और लगती हैं उनको सप्लाई करने के लिए, वो हमारे सारे युवा साथी कर रहे होंगे। टेक्नोलॉजी आएगी, उस टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कहीं पार्टनर बनना है तो हमारे युवा साथी होंगे। राजस्थान के अंदर पूरा माहौल बदलेगा, स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएंगे। विपक्ष के साथ साथ मेरा भी सवाल है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, कोई भी जब बिजनेस यहाँ आएगा, कोई बिजनेसमैन आएगा तो सड़कें देखेगा, बिजली देखेगा, पानी देखेगा, सुरक्षा देखेगा, उस लिहाज से क्या कदम उठा रही है सरकार? ये जो आप जिस चीज की, जो सड़कों की बात कर रहे हैं, जो राजस्थान के अंदर राज्य सरकार की जिम्मेदारियों की सड़कें हैं, वो पिछली सरकार की करीबी करतूतें हैं, माफ करिएगा, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। आप राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, आप एक्सप्रेसवेज देखिए, और फिर आप अपने गलियों के अंदर जो सड़कें हैं उनको देखिए,
हर साल ठेके दे सड़कों का ठेके, सेम सड़क का ठेके देने वाली सरकार नहीं है हम। तो इन सब के ऊपर, बारिश खत्म होते ही इन सब के ऊपर काम होगा। पीने के पानी के लिए एक बहुत बड़ी योजना लाई जा रही है जिसके अंदर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो पानी की समस्या दूर हो रही है, बिजली के अंदर उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान में हो रही है, युवा एनर्जी युवा ऊर्जा जो है उसके लिए एक दिशा करी जा रही है, जो लाल फीताशाही होती थी उसको खत्म करके लाल कारपेट बिछाया जा रहा है। ये सब एक लक्ष्य से, पॉलिटिकल विल से हो रहा है। ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका कहना है कि राइजिंग राजस्थान इस बार कैसे विकास में मील का पत्थर साबित हो, इसके लिए पूरी सरकार सतर्क है और साथ ही प्रयास ही रहेगा कि पिछले जो अनुभव रहे हैं अक्सर इन्वेस्टमेंट के वो निराशाजनक रहे, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इस पर पूरा फोकस सरकार का है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।